सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो सब के सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं फिर से आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के अनुसार, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट के अनुसार एक बार फिर से जो है श्री गुरु कृपा कार बाज़ार जयपुर के अंदर आए हुए हैं। तो एक बार फिर से हमारे साथ में मिस्टर रुद्र जी, कैसे हो सर? बढ़िया है सर। पिछले वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा मिला? बहुत अच्छा था सर, आपका रिस्पॉन्स आपसे जुड़ गया, हमें भी अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो गाड़ी की डिटेल्स देते हैं, और अब की बार क्या कुछ ऊपर फेस्टिवल सीजन चल रहा है इसलिए? यही है कि बढ़िया इस बार फैसिलिटी अच्छी दे रहे हैं पूरी गाड़ी में, मेंटेनेंस वगैरह सारी की वो ले रहे हैं अपन हर चीज़ में। अच्छा, अच्छी चीज़ दे रहे हैं इस बार अपन। बिल्कुल, मतलब बेस्ट से बेस्ट डील कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कौन सी गाड़ी रहने वाली है अपनी? XUV 500। अच्छा, एक्चुअली वेरिएंट कौन सा इसका? ये W8 है। W8 वेरिएंट है। तो कितनी चली होगी शायद ये? सर ये 98 के समथिंग तक चली हुई है, 98 के किलोमीटर के आसपास चली हुई है। तो पूरी ओरिजिनल है वैसे? हाँ जी सर, अपने पास देखो गाड़ियाँ अधिकतर ओरिजिनल होती है, छोटी मोटी टचिंग देखो अलग नॉर्मल सी चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीडेंटल कोई भी गाड़ी अपने पास पार्किंग जगह पर ना तो लेते। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अपना मार्केट थोड़ी खराब करना है ऐसे एक्सीडेंट वगैरह। नया काउंटर है अभी अपना, ज्यादा मंथ्स नहीं हुए। बिल्कुल, अच्छा काउंटर करना है, नाम अच्छा करना, मतलब नाम अच्छा करना है। वैसे कितना कितना टाइम हो गया सेटअप? अभी जुलाई में हुआ था। जुलाई में तो जुलाई के बाद में आपने कितनी गाड़ियाँ सेल कर दी होगी? सर 60 से प्लस कर दिया। 60 मतलब 60 से ज़्यादा गाड़ियाँ बेच चुके हो। तो कस्टमर का रिएक्शन कैसा रहा? अच्छा था सर, जो भी हमसे जुड़े वो हमसे ज़्यादा ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी फेस्टिवल पे ज़्यादा उनके कॉल ज़्यादा आए। देखो किसी के अपने से बेस्ट डील मिलती है ना, तो वो जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा ये नहीं कि जयपुर आउट हो, जयपुर भी जो कस्टमर आते हैं वो दोबारा भी आ रहे हैं, उनके कॉल आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है सर हमारे साथ। बिल्कुल, अच्छा लग रहा है। तो अपने यहाँ से लोन की फैसिलिटी क्या रहने वाली है? लोन फैसिलिटी अपने पास है जितना हो सकता है उसे ज़्यादा। आजकल क्या है, लॉकडाउन बाद सबको ज़्यादा लोन चाहिए होता है। बिल्कुल, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन अप्रूव करवाते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि कस्टमर को जहाँ 75 मिल रहा है, हम 90 के समथिंग लोन करवाएं। 90 के आसपास 90% लोन करवाने की कोशिश पूरी करते हैं। प्रोफाइल अच्छी हो तो हमें क्या दिक्कत है। हाँ, वो अपने को क्या है। चलो नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, बलेनो। हाँ जी सर, बलेनो अल्फा टॉप मॉडल, पुश बटन स्टार्ट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है। तो इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाते हैं? इसमें सर टच डिस्प्ले, रियर कैमरा है, पार्किंग सेंसर है, सभी कुछ है, एयरबैग्स हैं, सब कुछ है। फ्यूल इकोनॉमी कौन सी? पेट्रोल है, पेट्रोल वेरिएंट। अधिकतर देखो पेट्रोल का ज़्यादा चल रहा है, तो पेट्रोल गाड़ी लेना ही बेस्ट है, हम कस्टमर को सजेस्ट पेट्रोल के लिए करते हैं। देखो अभी फिलहाल मारुति खुद नहीं जो है पेट्रोल की डीजल की गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू कर दी है, इसीलिए हम खुद चाहते हैं कि पेट्रोल गाड़ियाँ ज़्यादा ले, कस्टमर हमारे से ज़्यादा जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस प्राइस हमारी ये होती है कि हम पेट्रोल गाड़ी दे किसी कस्टमर। बिल्कुल। तो ये कौन सा मॉडल है, डिटेल्स बता दो आप? ये 2017 का मॉडल है। ओके। 29,000 समथिंग चली हुई है। बिल्कुल, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इंश्योरेंस चालू है, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है। तो इसकी क्या बेस्ट डील रहने वाली है? इसकी बेस्ट डील तो कस्टमर इसकी आस्किंग कर रहे हैं 6.5 लाख रुपये। 6.5 लाख रुपये। तो वैसे छोड़ कितने में दोगे सर? वो वाली अपनी पहले भी यही थी कि कस्टमर से जो एंड मोमेंट पे जो होगी वो कर लेंगे। अच्छा, लास्ट मोमेंट में जो बात होगी, जो भी नेगोशिएबल होगा वो मान सम्मान वाली बात हो जाएगी। हम वो कर लेंगे। ओके, चलो थैंक यू। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है ईवन 2016 मॉडल है। 2016 मॉडल है। ओके, ये 90 समथिंग चली हुई है। ओके, फर्स्ट सेकंड ओनर गाड़ी है। 2.25 लाख रुपये आस्किंग प्राइस। 2.25 लाख रुपये। वैसे डेंट पेंट ये सब अभी हो सर, कोई डेंट पेंट अधिकतर गाड़ी में इसलिए नहीं कहते, टैक्सी पासिंग है। टैक्सी लेने वाला ये सोचा है कि मुझे पूरी गाड़ी ओरिजिनल मिले। ओके, इसलिए हम टैक्सी में कुछ काम नहीं करवाते। ओके ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये i20 स्पोर्ट है सर। i20 स्पोर्ट 2011 की, 2011 मॉडल। पेट्रोल है, पेट्रोल वेरिएंट, सेकंड ओनर गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी चली हुई है ये? चली हुई है 70,000, 70 के आसपास। हाँ जी। तो ये क्या माइलेज देती होगी शायद? सर ये 15 का माइलेज देती है, 15 प्लस का है। हाँ। तो इसमें एसेसरीज के तौर पर कुछ करवा रखा है क्या, मॉडिफिकेशन के तौर पर? कुछ भी नहीं करवाया सर, ओरिजिनल पूरी वो चीज। हाँ। मतलब जैसा कंपनी से साउंड सिस्टम वगैरह लगवाया हुआ है। ओके, बस वो वाली बात, और कुछ भी नहीं करवाया हमने इसमें कुछ। अच्छा, तो इसके पेपर्स वगैरह सब कंप्लीट? हमारा क्या है कि पेपर्स की सबकी जिम्मेदारी हमारी होती है, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कस्टमर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसकी क्या डिमांड रहने वाली है? इसकी डिमांड है 2,85,000। 2,85,000 रुपये। तो इसमें लोन कितना हो सकता है आप? सर 2.5 से 2 लाख के समथिंग लोन करवा देंगे, 2.5 लाख रुपये तक का। हाँ जी, हमारे फाइनेंसर हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे सारे। अपन यहाँ से कौन कौन से बैंक से लोन करवा जाता है? हम कार 24 से, कोटक महिंद्रा से, महिंद्रा एंड महिंद्रा से, AU से, कोकता से, अधिकतर जिनसे भी हो सकता है, जिससे होता है, जिससे बेस्ट मिलता है कस्टमर को, हम उसी से करवा के कस्टमर को दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फाइल सारी जगह लोग इन करवाएंगे, लेकिन जहाँ से बेस्ट होगा वहाँ से करवा के देते। तो दोस्तों देख सकते हो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जो भी कोई भाई राजस्थान से या फिर जयपुर मतलब अजमेर जो कि भी लोकल हो, यहाँ से आइए श्री गुरु कृपा कार बाज़ार में आइए, और अपनी मनपसंद का जो है गाड़ियों को खरीद कर ले जाइए।
चलो नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, ये कौन सी स्पार्क वगैरह? ये शेवरलेट की युवा सेल आती है। शेवरलेट की? हाँ शेवरलेट की आती है, 2012 मॉडल है। अच्छा अच्छी गाड़ी है, बिल्कुल कंपनी ने बनाया भी इसी तरीके से था कि बिल्कुल अच्छी गाड़ी। कौन सा वेरियंट है, डीजल वेरियंट है? डीजल में। डीजल में कौन सा मॉडल है? ये 2012 मॉडल है। पेपर्स वगैरह सब कंप्लीट है सर? सब कंप्लीट है। हाँ जी, तो 2012 मॉडल बताया। 12 मॉडल है। क्योंकि क्या डिमांड रह रही है सर? इसकी डिमांड है 2,15,000। 2,15,000 पे इसमें भी लोन? इसमें भी लोन करवा देंगे। वैसे करवाता नहीं लेकिन हम करवा के देते हैं कस्टमर को, फिर फैसिलिटी पूरी देते हैं हम देते हैं। ओके चलो थैंक यू। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ये है सर अपनी 2015 मॉडल अल्टो। अल्टो 2015 मॉडल? हाँ जी 2015 की अल्टो 800। तो कितने चली हुई? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 25,000 किलोमीटर रनिंग है गाड़ी की, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, कोई पीस चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह सब कंप्लीट है? सब कंप्लीट है। 2,35,000। 2,35,000 जी सर। मॉडल कौन सा बताया? 2015। 2015 हाँ जी सर। ओके तो पूरी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है सर। अच्छा तो इसमें क्या क्या, VXI है LXI है? LXI है। तो इसमें LXI में क्या क्या पावर विंडो आते हैं आगे वाले? दो पावर विंडो आती है, पावर स्टीयरिंग वगैरह? पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, AC, इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम, ये सब आता है इसमें। ओके थैंक यू। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं अपन, देख लेते हैं वहाँ तक है अपनी ये सारी है। तो ये आज की जो स्टॉक में गाड़ियाँ हैं कित, मतलब कितनी गाड़ियाँ हैं आज अपने पास? 38 है, मतलब 38 गाड़ियाँ अपने पास काउंटर, 38 गाड़ियाँ स्टॉक में अवेलेबल है। और बाकी गाड़ियाँ छोटी है जो इधर उधर है कि यहाँ अपने पास की स्पेस थोड़ा कम पड़ता है। अच्छा। इसलिए इधर उधर भी रखनी पड़ती है। ओके ओके। रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो ये इयोन है, 2012 की, 12 मॉडल है। हाँ जी। अच्छा तो क्या डिमांड रख रखे हो फिर? इसकी डिमांड है 2,30,000। 2,30,000 2012 मॉडल है? हाँ जी। इसे बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है गाड़ी है, ओरिजिनल पेंट पे ये पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट पे है, मतलब पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। इसलिए कई लोग हमारे पास कस्टमर भी है वो कहते हैं सर 2,30,000 ज़्यादा आस्किंग नहीं, बट क्या है कि ओरिजिनल गाड़ी की आस्किंग हमेशा ज़्यादा है। बिल्कुल देखो ओरिजिनलिटी में तो जो जो वाली बात है, जैसा मतलब माल वैसा पैसा, जैसा माल वैसा पैसा। अगर टचिंग की होगी तो सर पैसा कम हो जाता है, टचिंग वगैरह होगी गाड़ी, क्योंकि हम भी समझते हैं कस्टमर अगर लेगा तो अगर ओरिजिनल चीज़ लेगा तो वो खुद पैसे ज़्यादा देना चाहेगा, वो वाली बात है। तो कितनी रनिंग हो रही है इस गाड़ी? सर ये चली हुई है 38,000। 38 ओनर कौन सा है? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। तो रुद्र जी सर मैं बोलना चाहूँगा कि अधिकतर क्या है कि व्यूवर्स जो भी कोई कस्टमर लेने वाला सोचता है कि अपन को फर्स्ट ओनर गाड़ी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट ओनर गाड़ी का होता है वो पूरी की पूरी मेंटेन करके रखता है, वेल मेंटेन रखता है, सर्विसेज वो है टाइम टू टाइम करवाता है, इसलिए फर्स्ट पार्टी की गाड़ियाँ खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो। तो क्या फिर इसकी बेस्ट बेस्ट डील? बेस्ट वही है कि मौके पे जो होता है, देखो ऑन टेबल जो होता है वही होता है, लेकिन ऐसे आप मान लो मान सम्मान वाले हम कर सकते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं? इसमें एसी है, पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है, सब कुछ है। इंटीग्रेट है क्या म्यूजिक सिस्टम? नहीं बाहर से लगवाया हुआ है बट है। अच्छा बाहर से लगवाया है, आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में देख लेते हैं अपन। ये अल्टो है LX। अल्टो LX है क्या? 2008 की है। 2008 तो LX में पावर विंडो नहीं आते थे इस टाइम पे, बट इसमें करवाए हुए हैं कस्टमर, आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, लगवाए हुए इसमें। 2008 की है, 80,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा सेकंड ओनर गाड़ी है, इंश्योरेंस खत्म है इसका? इंश्योरेंस खत्म है। तो करवा के दोगे? मतलब वो मौके में तो डील के ऊपर डिपेंड होता है, इंश्योरेंस करवाना नहीं करवाना सब डील के ऊपर होता है। मतलब कोई कस्टमर बोलता है कि अपने को बना इंश्योरेंस चाहिए तो हम, ये जो हमारी जो प्राइस होती है ये एक शोरूम प्राइस है हमारी। अच्छा ये एक शोरूम प्राइस हमारी कुछ और होती है सर। ओके ओके ओके। तो मॉडल कौन सा बताया? 2008 डिमांड LX 1,30,000। 1,30,000 रुपये हाँ जी इसकी डिमांड है। हाँ जी विथ नेगोशियबल है ना? हाँ नेगोशियबल तो हर गाड़ी में होता है, नेगोशियबल तभी गाड़ी बिक पाती है। सेकंड हैंड गाड़ियों में तो वैसे भी नेगोशियबल होता है, तभी गाड़ियाँ सेल हो पाती है। तो ये कौन सी है? इसमें LDI है सर, डीजल में आती है। LDI आती है, बेस मॉडल है। इसमें पावर स्टीयरिंग आता है, AC आती है, बट पावर विंडो वगैरह नहीं आते। पावर विंडो नहीं आती इसके अंदर? म्यूजिक सिस्टम है बट बाहर से लगवाया हुआ है, आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। आफ्टर मार्केट तो मतलब इसमें भी जो है कोई भी अगर पर्सन डील करता है तो चाबी लगाओ और गाड़ी चलाओ, इसे कुछ अपने पास जो भी गाड़ी है अगर कुछ कमी होती भी है तो कस्टमर से हम कहते हैं कि हम करवा के देंगे। ओके जो भी चीज़ हम करवा के देंगे वो वाली बात है। मॉडल कौन सा बताया आपने? 2007 मॉडल है। तो क्या डिमांड रख रखे हो फिर? इसकी डिमांड है 1,85,000। 1,85,000 हाँ जी। तो इस पर लोन वगैरह? लोन वगैरह हो जाएगा सर। पेपर्स कंप्लीट? सब कंप्लीट है सर। ओके चलो नेक्स्ट गाड़ी देख लेते हैं अपन। ये अमेज होंडा, अमेज होंडा की अमेज हाँ जी सर। तो 2014 की है, 2014 मॉडल है, इंश्योरेंस कंप्लीट है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, एसी है, इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम आता है इसमें, मतलब टोटली जो मतलब भारतीय मानक द्वारा जो फीचर्स वगैरह है वो सब है इसमें, एयरबैग वगैरह सब है सर, एयरबैग आता है इसमें। अच्छा ओके।
तो इसमें क्या क्या रहने वाला है? क्या इसकी डिमांड 385,000 है। 385,000 2014 मॉडल है ना? 2014 है। पूरी गाड़ी ओरिजिनल है? पूरी गाड़ी बम्पर टू बम्पर। छोटी मोटी टचिंग की बात अलग है, लेकिन एक्सीडेंटल पीस नहीं है। अच्छा 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 ओके चलो थैंक यू। नेक्स्ट गाड़ी में देख लेते अपन। ये हुंडई की i10 ये i10 है 2009 की। 2009 मॉडल है। सेकंड ओनर। इंश्योरेंस खत्म है इसका। इंश्योरेंस खत्म हो रखा है। और इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं? इसमें म्यूजिक सिस्टम है, पावर विंडो है, ओके आगे वाले दो पावर विंडो है इसमें, सब कुछ है। पावर स्टीयरिंग वगैरह, मतलब पावर साइड मिरर नहीं है बट एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल है। हाँ जी सर। तो इसमें मतलब फ्यूल टाइप कौन सा है? फ्यूल पेट्रोल है। पेट्रोल वेरियंट है। मॉडल कौन सा बताया? 2009। 2009 मॉडल है। तो क्या डिमांड रखो? 2 लाख रुपये आस्किंग प्राइस। आस्किंग प्राइस है। ऑन टेबल अलग प्राइस। ऑन टेबल अलग प्राइस है। आस्किंग प्राइस कुछ और होती है, लेकिन डील होने लगती है जब प्राइस अलग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर से शेवरलेट की आती है स्पार्क। स्पार्क है क्या ये? हाँ जी। कौन सा मॉडल है? 2011 की है सर ये। 2011 मॉडल है। अच्छा तो इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं? पावर विंडो आते हैं, पावर स्टीयरिंग आती है, म्यूजिक सिस्टम है, एसी है, सब कुछ है इसमें, सब कंप्लीट है। इसमें ये होता है प्लस पॉइंट, इसमें कंपनी फिटेड गैस किट आता है। कंपनी फिटेड गैस किट है। एलपीजी पे आती है कंपनी। एलपीजी पेट्रोल वेरिएंट है। पेट्रोल वेरिएंट है बट एलपीजी भी फिटेड है, कंपनी फिटेड आता है। कुछ नहीं करवाया इस गाड़ी में, जो भी है कंपनी पे ही। ओके ओके। और वैसे पूरी गाड़ी भी साफ सुथरी दिख रही है। साफ सुथरी गाड़ी है, प्यारी गाड़ी है बिल्कुल। और इसमें आता क्या क्या है वैसे? इसमें पावर स्टीयरिंग आता है, एसी आता है, सब कुछ आता है। रनिंग है एसी? रनिंग है एसी, सब कुछ रनिंग। ओके थैंक यू। टायर्स वगैरह की ऑलमोस्ट वगैरह सब बढ़िया है सर। कुछ प्राइस भी कुछ इसकी ज़्यादा नहीं है। 140,000 रुपये आस्किंग प्राइस है। 140,000 रुपये बता रहे हो ना? 2011 की है। 2011 मॉडल है। 140,000। 140,000 रुपये इसकी डिमांड आस्किंग प्राइस है। ओके। पेपर्स कम्प्लीट है? पेपर्स कम्प्लीट है सर। ओके। ये ईओन है 2015 की। 2015 मॉडल ईओन। हाँ जी। इसका इंश्योरेंस खत्म है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी। गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अच्छा। बस पावर विंडो नहीं है इस गाड़ी में। पावर विंडो नहीं है? नहीं सर, इसमें कंपनी से आए नहीं थे और बाहर से करवाए भी नहीं गए। अच्छा। जो इसके ओनर थे उन्होंने कहा मैं रखूंगा तो ओरिजिनलिटी पे। ओरिजिनलिटी गाड़ी। ओरिजिनलिटी मतलब स्टॉक में रखोगे? हाँ स्टॉक वाली बात। तो उसके 260,000 रुपये आस्किंग प्राइस आती है। मॉडल? मॉडल 2015। 2015 है। हाँ जी। बम्पर टू बम्पर 73,000 चली हुई है। 73,000 चली हुई है। 73,000 है ना? हाँ। तो क्रोम वगैरह तो लगे हुए इसके अंदर? बाहर से करवाए हुए तो बोला हमने लगवाए, ये भी हमने लगाए। अच्छा। लुकिंग वाइज का थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए। थोड़ा अच्छा लगा है। जी, थोड़ी मोटिफिकेशन के तौर पे बढ़िया लगे। वाले आज का कस्टमर जो भी लेना चाहेगा गाड़ी, हाँ वैसे लेना चाहेगा। चलो बढ़िया है। ये है अल्टो 800। अल्टो 800 एलएक्सआई 2013 की। एलएक्सआई। अच्छा। आगे की दो पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ कंप्लीट है गाड़ी में। इंटीरियर में लाइटिंग वगैरह, पीछे बैक लाइट में लाइटिंग, सब कुछ कराई हुई है इसमें। टोटल कंप्लीट है। हाँ जी। तो इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स? इसमें ये है कि इन्होंने पावर विंडो आती है वो सब है, स्टेयरिंग है, पावर मिरर, साइड मिरर जो नॉर्मल वाले एडजस्टेबल है, मतलब मैनुअली एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल है। ओके। तो फ्यूल टाइप तो इसका पेट्रोल ही आता है इसमें। और पूरी ओरिजिनल है? बम्पर टू बम्पर फ्यूल पे ही चलिए, पेट्रोल पे ही चलिए, कोई गैस किट नहीं करवाया, कभी कुछ नहीं करवाया। ओके। लाइटिंग वगैरह है जो अंदर एक्स्ट्रा में कराए हुए हैं बाहर से। मॉडल कौन सा बताया? 2013। 2013 तो 215,000। 215,000 आस्किंग प्राइस। ओके थैंक यू। ये नैनो? ये मार एक टाटा की नैनो आती है। ओके। वो सर 2011 की है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है। इसमें क्या होता है, इस मॉडल में पावर स्टीयरिंग आता था बट पावर विंडो नहीं आते थे, तो पावर विंडो है फिर हमने कराई भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे ओरिजिनल पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, बम्पर टू बम्पर ही है। मॉडल कौन सा बताया? 2011 फर्स्ट ओनर गाड़ी है। पेपर्स वगैरह सब कंप्लीट है? कंप्लीट है। इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस नहीं है सर, एक्सपायर हो रखा है। हाँ। तो उसको करवा के दो। डील पे हम करवा के, जो भी होगा हम करवा के देंगे। अच्छा। तो क्या बेस्ट डील रहने वाली? बेस्ट डील इसके 75,000 रुपये आस्किंग प्राइस है। अच्छा। जो भी होगा मौके पे वो कर लेंगे। ओके। तो एक बार जो अपना पूरा एड्रेस बता दो यहाँ के, मतलब जो व्यूवर्स है, मतलब जो भी कोई राजस्थान से कोई भी पर्सन यहाँ से कोई गाड़ी लेना चाहता है तो पूरा एड्रेस बता दो कि यहाँ पे किस टाइप से है, कहाँ कहाँ से है। जिस किसी को भी आना हो, जयपुर में सबसे फेमस जगह होती है देखो 200 फीट बाईपास। ओके। 200 फीट बाईपास आके कस्टमर हमें फोन करे, हम खुद लेके आ जाएंगे। अच्छा। या जो भी सुविधा होगी हम खुद देने की कोशिश करेंगे। 200 फीट बाईपास में नियर बाय सिरसी रोड आता। अच्छा। हाँ जी सर। तो श्री गुरु कृपा कार का जो है डायरेक्ट बैनर दिख जाएगा बाहर रोड पे, या गूगल पे किसी भी चीज पे, वेबसाइट है अपनी, इंस्टा पे, हर जगह अपना है। अच्छा। फेसबुक पे, इंस्टा पे है। वैसे तो पूरा एड्रेस में नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा मेंशन कर दूंगा, उस बैनर दिखा दूंगा। और रही बात कॉलिंग की, तो कॉलिंग का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। शाम को 8-9 बजे तक कभी, 8-9 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो। लेकिन जो लेट नाइट होती है रात को 10-11 बजे वो पॉसिबल नहीं होता है।
जो भी लेने वाला पर्सन हो वही इंटरेस्टेड होकर जो है कॉल कीजिएगा, अदरवाइज क्या है कि रात को कई बार आउट ऑफ स्टेट से भी कॉल करते रहते हैं। तो उन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो लेने वाला इंटरेस्टेड पर्सन हो वही कॉल कीजिएगा। ओके, थैंक यू रुद्र भाई जी। नेक्स्ट जो ब्लॉग रहेगा अपना, जो ग्रेडिकेशन होगी, जो नया स्टॉक आएगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और फेस्टिवल के तौर पे क्या उपहार देने वाले हो अपने फ्रेंड्स को, मतलब जो गाड़ी लेने वाले, तो मतलब फर्स्ट सर्विस फ्री कुछ क्या? हमारी तरफ से उसमें क्या होता है कि देखो डेकोरेशन हमारी तरफ से गाड़ी में फ्री होता है, परफ्यूम वगैरह जो भी कुछ होता है नॉर्मली वो हम करके देते हैं। ओके ओके ओके, चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू सर।